पार्ट वन में हमने देखा कि कैसे विनायक अपनी जान पे खेलकर सोने के सिक्के लाता है, पर वो एक बार में थोड़े ही सिक्के ला सकता है, जिससे उसे बार बार अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। पर अब विनायक उन सिक्कों को बेचकर अपना जीवन किसी राजा महाराजा की तरह बिताने लगता है। पर अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और उसके सिक्के खत्म होने लगते हैं और समय के साथ विनायक भी कमजोर होने लगता है, जिससे विनायक अपने बेटे पांडुरंग को रोज रस्सी पे चढ़ने व सिक्के उठाने की प्रैक्टिस करवाता है। पर अब वो समय आ चुका था जिससे विनायक पांडुरंग को तुम्बाल लेके जाता है और उसे उस मंदिर के बारे में बताता है, और अब वो दोनों मिलकर आटे के पुतले बनाते हैं। अब विनायक पांडुरंग को उस मंदिर के नीचे ले आता है और उसे आटे से रक्षा कवच बनाने को कहता है। अब पांडुरंग पूछता है कि राक्षस कब आएगा, जिससे विनायक बताता है कि आज हम सिर्फ अभ्यास करने के लिए आए हैं, इसीलिए मैंने बाहर पुतला फेंक दिया। पर पांडुरंग चुपके से पुतला अपने साथ ले आया होता है, जिससे वो राक्षस आटा को देखकर बाहर आने लगता है।